Hello, welcome to the Rendezvous with English. This episode is for the beginners who have any problem in understanding the different pronouns and the certain set of rules of translation in the topic narration. ठीक है, नरेशन में होने वाले जो बिगिनर्स रूल्स हैं उनमें अगर कुछ लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आज ये एपिसोड उनके लिए डेडिकेटेड है. डेडिकेटेड मीन समर्पित है. यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. उससे पहले एक फेमस लाइन जो आपके लिए, एक फेमस सॉन्ग, एक फेमस प्रेयर. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. है ना, वी कैन डू इट, डेफिनेटली वी कैन. आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट फाइटर्स इन लाइफ हु हैव रियली मेड द डिफरेंस, द ड्राइवर्स चिल्ड्रेन, द सिंपल चिल्ड्रेन ऑफ अ ट्रक ड्राइवर, या कोई फार्मर का बेटा है तो बेटी है, जिन्होंने they have carved a niche for themselves. Carved a niche means they have made a special place for themselves by the sheer hard work and decoration. Dedication. तो जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं किसी काम में, unless and until we do devote ourselves completely, until then, what happens is that the best out of the best in us doesn't come out. हमारे अंदर best बाहर तभी आएगा जब हम फुली डेडिकेटेड होकर काम करते हैं. एम आई राइट? मैं सही हूं ना? तो आज नरेशन में कुछ बिगिनिंग के रूल्स देख लेते हैं, जैसे प्रोनाउंस. ऑफन बच्चे प्रोनाउंस में कंफ्यूज होते हैं. पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. ये तीन है, क्या है? पर्सन है. तीन लोग हैं भैया. तीन लोग कौन कौन से भैया इंपॉर्टेंट हैं? उनको बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, बुलाना पड़ेगा. अगर नहीं बुलाओगे तो नरेशन नहीं सीख पाओगे. हमने बता दिया, फिर ना कहना कि बताया नहीं था. अभी बता ही दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या है? पहले कौन है? जब हम जब मैं, जब तुम, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, तो हम ही होते हैं पहले पर्सन. या दो लोग मिलकर कुछ बोल रहे हैं, एकजुट आवाज है, तो हम होते हैं पहले पर्सन. उसके लिए प्रोनाउन यूज होती है आई, वी, अस. लेकिन मोस्टली आई और वी का ही यूज होगा. अस तो बाद में यूज की बात में बात करेंगे. ठीक. अब हम जब किसी से बोल रहे हैं, हम मम्मी से कुछ कह रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू माई फादर समथिंग, हम पापा से कुछ कह रहे हैं, हम अपने दोस्त से कुछ कह रहे हैं, हम अपने टीचर से क्लास में कुछ बोल रहे हैं, हम सब्जी वाले से कुछ कह रहे हैं, हम फ्रूट सेलर से कुछ कह रहे हैं, हम बाजार में बिस्किट लेने के लिए गए, दुकानदार से कुछ कह रहे हैं, तो जब हम बोलने वाले तो फर्स्ट पर्सन हो गए. और जब हमारे दुकानदार, वो सब्जी वाला, मम्मी पापा, दोस्त, टीचर, ये सब क्या हो गए? हम उनसे बोल रहे हैं. तो जब पहले हम हैं तो दूसरे वो हो गए. तो दूसरे पर्सन तो यू, हिंदी में तो तुम और आप होते हैं. डिफरेंस हिंदी में थोड़ा सा तहजीब ज्यादा है ना? लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश ब्लंट है. इंग्लिश में आपके लिए भी यू और तुम के लिए भी यू. अब क्या करें भाई, अंग्रेजी है ही ऐसी. एक वो डायलॉग उसका, चुपके चुपके का, धर्मेंद्र का है, इतनी बढ़िया मूवी भैया, देख लो. इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इतना अच्छा कटाक्ष किया है उसमें कि ये कैसी अंग्रेजी, एक बहुत ही, ऐसे बोलेगा, अंग्रेजी एक बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब. साहब यू के लिए भी, तुम के लिए भी यू, आपके लिए भी तू. डी ओ डू तो जियो गु क्यों नहीं? वो बहुत अच्छा सीन है, देखिएगा, आपको हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. इट इज सुपर. ठीक है, तो तुम यू हो गए. यू कौन हो गया? तुम हो गए. तो आपने जिससे बात कर रहे हैं, द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग अबाउट इज तुम, इज यू. ठीक है, वो हो गया, यू हो गया. ठीक.
अब बात क्या आई, अब बात आई कि हम सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, हम टीचर से बात कर रहे हैं। मान लो हमें हमारा कोई दोस्त परेशान कर रहा था, हम टीचर से कह रहे हैं कि रोहन हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम तो दो हो गए, तो हम तीसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, या हम मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, पापा से अपने बात कर रहे हैं, मम्मी की कोई बात कर रहे हैं, हम पापा से शिकायत कर रहे हैं अपनी बहन की, तो हम हो गए और पापा दूसरे हो गए, तो हम शिकायत किसकी कर रहे हैं? अपनी सिस्टर की, अपनी बहन की शिकायत कर रहे हैं, वो हो गई तीसरी। इसी तरीके से मार्केट गए, हम सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, जब हम सब्जी वाले से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, कहें वो सब्जी वाला तो सब्जी सस्ती दे रहा है, या हम फ्रूट सेलर के पास गए, हमने कहा या वो फल तो 70 रुपए किलो दे रहा है, तुम हमें 90 रुपए किलो दे रहे हो, क्या डिफरेंस है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो तीसरे वाले की। तो दैट बिकम्स द थर्ड पर्सन, तो वो क्या हो गया? ही शी, और नॉन लिविंग के लिए इट। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे योर्स हो जाएगा, यहाँ पे अस आ जाएगा, ठीक है, यू सेकेंड हो गया, और ही शी इट, और दे थर्ड हो गया, ठीक है, दे मतलब प्लूरल में हो गया, ठीक, समझ में आ गया? इट क्या हो गया? नॉन लिविंग चीजों के लिए, जो बोल नहीं सकते, जो एक्शन खुद नहीं कर सकते, उनके लिए क्या हो गया? इट। तो समझ में आया? जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो मैं हूं पहला पर्सन, जबकि जब भी हाँ मी आ रहता है। सारे लिख दें आपको ताकि अच्छे से समझ जाइए, बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स एग्जॉट फॉर ऑफ नरेशन, ठीक। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, अब जब मैं दूसरे के लिए बात कर रहा हूं तो वो हो गया सेकंड पर्सन, यू योर्स, ठीक। जब हम किसी और के बारे में हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, जिसके लिए ही शी इट दे। इतना समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वी कैन डू इट, यस रियली यार, वी कैन डू इट। थोड़ा सा समझने की बात है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, कैसे फर्क पड़ता है प्रोनाउंस में, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक नियम जो पहले भी हमने बताया था वो देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब का नियम, रिपोर्टिंग वर्ब का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शी सेड, सेकेंड है शी सेज, और थर्ड है शी विल से, ठीक। अब तीन अलग अलग तरीके की वर्ब्स हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि वर्ब कहने वाला, जो कह रहा है वो वर्ब है, जो बात कही जा रही है उसको बोलने वाला ये पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। शी सेड, बहुत साधारण सा हम सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम बिजी, यहाँ पे भी यही लिखते हैं, आई एम बिजी, और यहाँ पे भी यही लिखते हैं, आई एम बिजी, ठीक। तीनों में एक ही सेंटेंस लिखते हैं। अब क्या है इसमें ध्यान देने वाली बात, कि ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेड है तो सेड से, सेड और विल से, ये तीन फॉर्म्स हैं। ये से क्या है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सेड इसका पास्ट टेंस हो गया, और ये हो गया फ्यूचर टेंस, फटूरे, है ना, फटूरे टेंस, फटूरे टेंस भी तो होता है तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस, वो हो गया फटूरे टेंस। तो फटूरे में भटूरे खाएंगे, गिराओगे ना फटूरे में भटूरे, तो फटूरे में भटूरे टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो जो टेंस का रूल है वो चेंज, ये वर्ब जो है इसमें वो चेंज करेंगे। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, सेज है या विल से है, तो ये लाइन, ये जो टेंस है, इसमें चेंज कभी भी नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखकर आपको दिखा दें, फिर एक करेक्टर यूज करते हैं, जब भी हम एसर्टिव सेंटेंस में
यानी कि एक स्टेटमेंट में जब सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं तो हम एक कंजंक्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कंजंक्शन? क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। तो जब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो सेंटेंस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टुकड़ों में है सेंटेंस, तो उस टुकड़े को मिलाने के लिए फॉर ज्वाइनिंग वी मेक यूज ऑफ द कंजंक्शन। सो आई शी सेड दैट, अब आई क्योंकि वो अपने लिए कह रही है, वो कह रही है अपने लिए, हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रही है खुद के लिए, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, थर्ड पर्सन यूज करते हैं। तो शी टेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज बिजी। अगर थोड़ा सा स्पेस कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, दोबारा से लिख देंगे, अच्छे से समझिए। फिर सेकेंड में क्या था, शी सेज आई एम बिजी, शी सेज आई एम बिजी। तो जब हम प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम क्या करेंगे, वर्ब चेंज नहीं करेंगे, कंजंक्शन यहां पर भी यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस ब्रोकन है, उसको कनेक्ट करेंगे। सो शी सेज दैट शी, वो अपने लिए कह रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्ड के लिए शी यूज करते हैं। तो शी सेज दैट शी और इस शी के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ इस लगता है, इसलिए शी इज बिजी, टेंस नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर टेंस चेंज हुआ था। ये सबसे पहला तो यही रूल देख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी, ये रूल सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। जब तक ये रूल आपको अच्छे से नहीं आ जाएगा आगे नरेशन को पढ़ना बेकार है। अब जब फ्यूचर टेंस होगा तो भी क्या होगा, वर्ब चेंज नहीं होगी, शी विल से दैट, वह कहेगी क्या, दैट शी इज बिजी, इसमें भी दैट यूज किया बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट द सेंटेंस। सो फॉर बिगिनर्स दैट यूज किया क्योंकि इसको कनेक्ट करना है। तो जब सेज है या विल से है तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट बी चेंजिंग द टेंस, सबसे पहला रूल तो ये है, ठीक, समझ में आ गया। ये जब सेड है तभी ये टेंस यूज चेंज होगा, दैट का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कनेक्ट द सेंटेंस, बट व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी विल नॉट बी चेंजिंग द टेंस, टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट टेंस था यही प्रेजेंट टेंस रहेगा। शी में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये शी है, जब वो तीसरा पर्सन अपने लिए कह रहा है, जब मैं अपने लिए कहूंगा तो मैं आई यूज करूंगा ना, ये सबसे पहले तो आपको यही बताया था, दूसरे के लिए मैं तुम यूज करूंगा और तीसरे के लिए क्या यूज करूंगा, वह। तो जब वह तीसरा अपने बारे में कह रहा है कुछ तो वो अपने लिए, जब हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो हम तो उसके लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे ना, जब वो अपने बारे में खुद कहेगा तो वो आई यूज करेगा क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। अब वॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट आप इसी में देख लीजिए, इसी सेंटेंस में दूसरी चीज देख लीजिए। अब अगर इसमें सेंटेंस में हम थोड़ा सा फेयर बदल करते हैं, शी सेड टू मी आई एम, शी सेड टू मी यू आर लुकिंग ग्रेट, छोटे छोटे एपिसोड बनाएंगे, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में टेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पे और टेंस एक साथ मिक्स नहीं करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख जाइए। शी सेड टू मी यू आर लुकिंग ग्रेट, ठीक, तो अब उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो जब सेड टू यूज होता है तो सेड टू की जगह टोल्ड यूज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टेल्स हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में है तो विल टेल होगा, ठीक है। तो शी टोल्ड किसके कहा, मी, फिर एक एज यूजुअल कंजंक्शन लगाएंगे। अब वो मुझसे कह रही है कि तुम अच्छे लग रहे हो, अच्छा लग रहा हूं मैं, थैंक यू, तो शी टोल्ड मी दैट, अब हम क्या लिखेंगे, मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा दैट आई, तो मैं ये बात कह रहा हूं ना, मैं उसकी बात को रिपीट कर रहा हूं, तो शी टोल्ड मी दैट आई एम लुकिंग ग्रेट, आई क्यों हुआ, क्योंकि वो मुझसे कह रही है और मैं उसकी कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूं,
उसकी बात को वो जो मेरे लिए कही गई थी मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए यू की जगह पर आय हो गया। जब मेरे लिए कोई बात कही जाएगी तो आय हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में होता शी सेड टू हिम शी सेड टू हिम यू आर लुकिंग ग्रेट, तब क्या होता? तो हम क्या करते? अब उसने उससे कहा तो शी टोल्ड हिम, अब आई नहीं आएगा। शी टोल्ड हिम क्या कहा? दैट यू आर लुकिंग ग्रेट। तो उसने उससे कहा और हम ये बात बता रहे हैं तो हम तीसरे के लिए तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यूज करेंगे ना। शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज लुकिंग ग्रेट। सबसे पहला रूल तो आपको यही बताया था, जब भी हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पर हिम यूज हुआ था, मेल प्रोनाउन यूज हुआ था, इसलिए हमने यू को मेल में चेंज कर दिया और टेंस को वैसे ही चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर टेंस नहीं चेंज किया। I was looking great. ठीक है, she told me that I was looking great. ये mistake थी, इसको हमने correct कर दिया। ये tense तो रूल change करेंगे। ये tense कब नहीं change होता है? जब reporting verb present और future में होती है। तो ये चीज समझ में आई आपको? जब third person से कह रहा है, यहाँ पर object आ गया है, तो said to becomes told, says to him becomes tells. ठीक है, चाहे इसको अलग से लिखने की जरूरत है, और will say becomes will tell. ठीक है, said to becomes told, says to becomes tells to tells और will say becomes will tell. ठीक, समझ में आया? ऐसे ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोनाउंस चेंज होंगी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब मुझसे मेरे ऊपर कोई बात आएगी तभी प्रोनाउन आई में चेंज होगी। जब दो लोग किसी तीसरे के बारे में, दो लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, सो द प्रोनाउन विल ऑलवेज बी थर्ड पर्सन, यानी कि ही शी इट या दे में से ही कोई होगी, जो ऐसा भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो पहले तो ये प्रोनाउन के रूल से बिल्कुल वाकिफ हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से। जब आप प्रोनाउंस के रूल से वाकिफ हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि टेंस का रूल क्या है, कि टेंस कैसे कब कहाँ चेंज करते हैं। ठीक है, बिकॉज नरेशन की जो एडवांस एक्सरसाइज थी वो तो मैं पहले भेज चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, बट फॉर बिगनर्स सो दैट यू कैन लर्न प्रॉपरली, दिस वॉज द एक्सरसाइज ऑफ फॉर यू, जहां पर वर्ब और प्रोनाउन का रोल है। सो होप यू विल लर्न, ये आप इतना तो समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखिएगा, जहां पर आपको टेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कीप एंजॉयिंग लर्निंग, अच्छे से मेहनत करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जब हम दे कर जाते हैं, समझा कर जाते हैं, और हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेजेस करके। बाय।